केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में अपने आवास पर दोहरी ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को सम्मानित किया और उन्हें 10 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। इससे पहले पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने इतिहास रच दिया था जब वह एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। भाकर और उनके साथी सर्वजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। आपको बता दें कि मनु और सर्वजोत की जोड़ी ने कांस्य पदक के प्ले ऑफ मैच में दक्षिण कोरिया के ली वोन हो और ओह ये जिन को 16-10 से हराया। मनु और सर्वजोत दोनों ने दक्षिण कोरियाई निशानेबाजों के खिलाफ श्रृंखला में लगातार 10 अंक बनाए और भारत के लिए दूसरा पदक जीता। भाकर ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल करके ओलंपिक में भारत का पदक खोला। इसके बाद सर्वजोत सिंह और भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, जो भारत का पहला शूटिंग टीम पदक था।